R.D. Sharma, Chapter 3, Exercise 3.10, Question Number 3, Pair of Linear Equation, Two Variables. मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताता हूँ. The boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. In 13 hours, it can go 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. First of all, हम यहाँ अपस्ट्रीम की स्पीड को मान लेंगे x माइनस वाई, बिकॉज जो बोट की जो स्पीड होगी उसमें से वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी, क्योंकि बोट पानी की विपरीत दिशा में चलेगी, तो इसलिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस. डाउनस्ट्रीम की स्पीड होगी x प्लस वाई, x होगी बोट की स्पीड प्लस y होगी वाटर की स्पीड, दोनों के मिला के होगी, क्योंकि डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है पानी की डायरेक्शन में है ना बोट का जाना, और अपस्ट्रीम का मतलब होता है पानी के विपरीत बोट का चलना. सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ दिया गया है कि बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. तो हम टाइम निकाल लेते हैं, 30 किलोमीटर यहाँ फार्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. तो टाइम निकालने का फार्मूला हो जाएगा, टाइम वहां चला जाएगा, टी वहां चला जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम. तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर बाय में स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, तो उसको अपस्ट्रीम जाने में ना डिस्टेंस बाय स्पीड उसको टाइम लगा टी वन, 30 बाय एक्स में वाई, एंड स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी 44 बाय एक्स प्लस वाई, और दोनों का टाइम मिला के यहाँ हो जाएगा 10. दैट इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट. नेक्स्ट इक्वेशन रखी है 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. डिटरमाइन यहाँ पर है ना 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, सो दैट एक्स माइनस वाई हो गया यहाँ पर 40 बाई एक्स माइनस वाई एंड प्लस, और 55 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम में जाती है यानी पानी के साथ साथ जाती है, तो 55 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13, 13 घंटे में जाती है, दोनों टाइम मिला के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 आवर्स. तो ये दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन में 1 बाई एक्स माइनस वाई को हम ए मान लेंगे और 1 बाई एक्स प्लस वाई को हम बी मान लेंगे. अगर 1 बाई एक्स माइनस वाई को मान लेंगे तो ये हो जाएगा 30 ए 44 बी इज इक्वल टू 10. नेक्स्ट हो जाएगा 40 ए प्लस 55 बी इज इक्वल टू 13. तो इनके नए नाम दे देंगे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, इनको सोल्व करवा लेंगे सोल्व बाय दिस एलिमिनेशन मेथड. सो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन, इसको सोल्व करवा लेंगे हम आगे एलिमिनेशन मेथड से. अगर एलिमिनेशन आपको मेथड देखना है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देखिए. माय नेम इज दिनेश वशिष्ठ, माय मेल आईडी इज ad9729@gmail.com. सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ब्राइट नॉलेज.